नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें हमारे चैनल सक्षम न्यूज इंडिया की ताजा खबरें। धन्यवाद। स्प्रिट है, हॉरर फिल्म है, बट बेसिकली इसमें ये होता है कि जो एक माँ है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है, उसको किडनैप होता है, उसको मार दिया जाता है इस फिल्म में, फिर बाद में वो अपना बदला लेती है जो मारे हैं उस सब पर। सर आपका नाम बताइए। ये पोस्टर जो है, हम लोगों ने एक मम्मा का भी जो माँ का करेक्टर है ये सोच के पूरा यही निखारा गया है कि हॉरर सब्जेक्ट भी है और माँ का करेक्टर भी इसमें, मतलब मम्मा मूवी का नाम है मम्मा, यानी कि माँ और बेटे से संबंधित पूरी स्टोरी है। बेसिकली ये हॉरर मूवी जितना भी बनती है ना, बेसिकली जितना हॉरर मूवी बनती है उसमें डरावना और ज़्यादातर डरावना दिखाया जाता है, लेकिन हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट उठाया जिसमें ये हमने देखा कि हॉरर मूवी में भी जो भूत है वो बच्चे को पाल रही है, दूसरे बच्चे को पाल रही है अपना बच्चा समझ करके, और फिर क्या होता है कि उस बच्चे के नज़दीक कोई भी जाता है ना तो वो उसको बचाने की कोशिश करती है। एक कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट जो तो उस फिल्म में बहुत लास्ट गया, तो ऐसा स्टोरी आधे भी फिल्म शूट कर दी उसी टाइम पर, तभी से सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। मैं बोला चलो काम करेंगे तो दूसरा भी आ सकता है, एक फिल्म नाच गया तो पीछे भागने का नहीं, डटे रहो, डट के काम करो तो आगे दूसरा काम आएंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम कोई, अगर मान लीजिए हम ना आर्टिस्ट के पीछे भागते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट बोलता है कि नहीं तुम्हारा फाइनेंसर कौन है, बोलता है ना, और इसके बाद में फाइनेंसर आ भी जाए तो वो बोलता है कि तुम्हारा आर्टिस्ट कौन है, पहले आर्टिस्ट दिखाओ, साइनिंग दिखाओ, नहीं हो पाता है। पहले हमें पुराना बनने के लिए नए लोगों को करके चलना पड़ेगा, और पहले हमको ऐसे शर्त पे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ये हम लोगों का जेन्युइन तरीका है। तो हमने एक ये सोचा कि चलो एक हम फिल्म बनाते हैं जो अच्छा सा, ठीक है, पुराना तो होना ही है कैसे भी करके, ठीक है, तो हम लोग एक फिल्म बनाते हैं अच्छे से, उसको रिलीज करते हैं, इसके बाद जैसे जैसे मीडिया में आता जाएगा लोगों को पहचान बढ़ती जाएगी, नहीं चलो ये लोग भी हैं, ठीक है, उस तरह से हम लोगों ने काम किया। जैसे मेन लेडी में एक छोटा बच्चा का करियर है जिसका नाम विनीत वर्मा है, और फिर बड़े लड़के जो हीरो का करेक्टर किए उनका त्रिदेव लोहिया हीरोइन हो गई, रेखा सरकार जो माँ का करेक्टर और ये भूतनी का करेक्टर थे उनका नाम है ज्योति सिंह। और म्यूजिक किसका है? म्यूजिक युवराज मोरे जी का है, और कोरियोग्राफर में राज खान और युवराज मोरे दो लोगों ने किया है। मेरा नाम त्रिदेव लोहिया है और मैंने इसमें मेन लीड पे काम किया है इस मूवी में, और मैं यहाँ बच्चे को इसमें सेव कर रहा हूँ, इस बच्चे को बचा रहा हूँ। ये पूरी मूवी जो है माँ बेटे के ऊपर है और बच्चे की काफ़ी सेफ्टी की, जिसके चक्कर में मेरे कुछ दोस्तों की जान भी गई इस मूवी में, और इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपने डायरेक्टर सुनील वर्मा जी को और अपने प्रोड्यूसर साहब। इसमें एक्सपीरियंस मुझे अच्छा मिला क्योंकि मेरी जो हीरोइन थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, उसके साथ काम करने में मजा आया, काफ़ी अच्छी है, मेरे को वैसे भी अच्छी है, अच्छी है, और काम करने में मजा आया मेरे को उसके साथ। इट्स लाइक अ हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी, तो बहुत मज़ा आया इसको करने में, और सबसे अच्छा मुझे एक्सपीरियंस ना कि हम लोगों ने जो लोकेशन चूज़ किया था वो टोटली रियल में जंगल वाला ही था, और हम लोग वहाँ पे नाइट पे स्टे करते थे, अपने को आर्टिस्ट के साथ सोते थे, रहते थे, खाते थे, वहीं इंजॉय करते थे, फिर वहाँ गए अगले नेक्स्ट डे हम लोग शूट करते थे, तो वो बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग मूवमेंट रहा मेरे लिए। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि मेरे जितने भी आर्टिस्ट थे सब मेरे से मतलब न्यू थे, मतलब मैंने इनके साथ कभी वर्क नहीं किया, तो इनके साथ वर्क करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
किया था. आई थिंक इसने सिखाया है, मुझे नहीं लगता इसने कुछ सीखा होगा. मतलब ये ना बहुत ही शांत रहता है और जब डायलॉग दो ना तो लाइक ही इज लाइक सीनियर आर्टिस्ट. मतलब बहुत जल्दी डायलॉग बोलना, अच्छे से एक्ट करना, तो इसे तो सीखा है. अभी सुनील वर्मा के साथ मैं इस पिक्चर में हीरोइन का माँ का रोल निभाई हूँ और काफ़ी ये पिक्चर अच्छा है. इनका डायरेक्शन भी अच्छा है, सब टीम बहुत अच्छा है और फैमिली ड्रामा है. कुछ डरावना सीन है तो कुछ नाटक है, कुछ इंजॉय है तो कहीं रोमांस है, कहीं नेगेटिव है तो कहीं पॉजिटिव भी है. तो फैमिली ड्रामा है, सब जवान बच्चा बुढ़ापा सब लोग बैठ के ये पिक्चर देख सकते हैं. यहाँ पे आके अच्छे लोगों से मिली हूँ, जैसे कि हमारे सुनील सर हैं, चंदन जी हैं, मयंक सर हैं, दीपा मैम है, इन सब के सपोर्ट से आगे बढ़ रही हूँ, कर रही हूँ यहाँ पे काम. और जो मूवी है उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है, तो देखने लायक भी है और सारी चीज़ें अच्छी हैं. तो मैं बस ये चाहूँगी कि आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए हमें आगे जाने के लिए. दूसरी चीज़ के ये है कि मूवी में जो भी किरदार है, जो भी सब निभाया, बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से किया है. तो मूवी सर ने रोल दिया, हमारे में एक्टिंग थी, हमने कर लिया. उसके बारे में पता है ना, जब आप किरदार कर रहे थे कैमरे के सामने तो कैसा फीलिंग था, कैसा एटमॉस्फेयर लग रहा होगा? फीलिंग तो अच्छी थी, मैंने उसको फील करके, क्या था स्टंट सर ने बोला था, फील करो, फील करो. अब नहीं आ रहा है वो. एक्चुअली मैं जम्मू से हूँ. जो ये पिक्चर है अच्छे हॉरर मूवी है. इस पिक्चर में जो लीड रोल रहता है उसका मेरा फ्रेंड का करेक्टर है, जो ये हमारे जी जो डायरेक्टर वर्मा साहब हैं, इनने स्टोरी को खुद ही बनाया भी है और इनने जो ये लोग मेरा ये फर्स्ट रोल था, मैंने रिच आदमी का कैरेक्टर किया है और काफ़ी डरावनी फिल्म्स वगैरह हैं. मैं थाना से हूँ, आपका लोकेशन भी रखा था मैंने और बेटर है, आप देखेंगे उसमें एंटरटेनमेंट ज़्यादा है. एसोसिएट डायरेक्टर हूँ. ओके, आप बताइए. सर मेरा नाम साहिल सक्सेना है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और इस फिल्म में लाइन प्रोड्यूसर हूँ. कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का? सर ओवरऑल अच्छा रहा. बाकी जो शूट कर रहे थे लोकेशन बहुत ही मतलब ड्रामना लोकेशन था. हमारी शूटिंग हम लोग आर्टिस्ट को मतलब इवनिंग टाइम में भेज देते थे जंगल में कि आप लोग जाओ वो फील करो चीज़ें, क्योंकि जब भी जो चीज़ है जो लेके आना है वो डर तो उनके फेस पे दिखना चाहिए. तो ये सब चीज़ें हम लोग एक्सपेरिमेंट करके इस फिल्म में एक अच्छा एक्टिंग, मतलब जो एक्टर लोग थे उनके अंदर का जो थोड़ा डर था